दो हिस्से में कार्यक्रम होगा, एक होगा जैसे 24 कला श्वास कैसे की जाए, क्या रिदम लेनी चाहिए, और दूसरी कुछ एक्सरसाइज करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे। दो भाग में कार्यक्रम होगा, एक होगा 24 कला श्वास कैसे ली जाए और दूसरा हिस्से में 6 ब्रीदिंग की एक्सरसाइज सीखेंगे स्वास्थ्य का अच्छा रहेगा। उससे ब्रीदिंग का जो तकनीक है टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग, तो वो ये रहेगा कि हम इनहेलेशन विल बी लॉन्गर देन एक्सहेलेशन, 3 सेकंड श्वास लेंगे 2 सेकंड में श्वास छोड़ देंगे। ये हमें अगर ये चीज़ हमने अपने आप में डाल दी, 3 सेकंड श्वास लिया 2 सेकंड श्वास छोड़ दिया, पतंजलि का कहना है कि ये रिदम जो है, ये जो अगर ये जो तकनीक अपना लिए हमने, श्वास बदली हो गया अगर तो जीवन बदली हो जाएगा। ये का बात कहता है पतंजलि। इसको थ्योरी में सुनना है एक बात है और रोजाना प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। डॉक्टर साहब कहना है पतंजलि जो रिकमेंडेड रेशियो है या हठ योग में, वो तो है ना 4-1-16 4-1-2 तो छोड़ देते हो हठ योग हम लोग यहाँ पे हठ योग पतंजलि ये भी कहता है कि श्वास अब जैसे हम लेते हैं वो हमारे भाव पर आधारित होती है, जैसे भाव चलता है वैसे श्वास चलता है, और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर ये स्थिति को ठीक करनी है तो श्वास को लय बनाना पड़ेगा, उससे क्या हो जाएगा भाव लय में आ जाएगा। अगर भाव लय में आ गया रिदमिक हो गया तो जीवन लय में आ जाएगा, रिदमिक हो जाएगा, और जीवन जैसे है वैसे क्योटिक है, क्या कहता है पतंजलि कि ये टोटल ब्रेथ रिदम में लाने के लिए शरीर का ये हिस्से में, छाती और पेट के हिस्से में, एब्डोमेन के हिस्से में, दोनों में श्वास चलनी चाहिए इक्वली, ऐसे में कि छाती में ज्यादा या पेट में ज्यादा, दोनों में श्वास का जो वॉल्यूम है कितनी श्वास ली जाए वो नॉर्मल होना चाहिए। जैसे हम दिन भर के जब आराम से बैठे हैं दिन भर, तब एक इतना सा वॉल्यूम होता है नॉर्मल होना, जब उत्तेजित हो जाते हैं तब वॉल्यूम कम या बढ़ जाता है, तो उत्तेजित जितना हो जाते हैं वो वॉल्यूम नहीं, नॉर्मल अवस्था में जितना वॉल्यूम होता है वो ही हर पल होना चाहिए, तो उससे क्या होगा सिस्टम जो है वो उत्तेजित होना कम हो जाएगा, तो उसको आदत पड़ जाएगी, गुस्सा इरिटेशन ये सब चीजें सिस्टम से निकलती जाएंगी। ये 3 बातें कहता है, और ये 3 बातों की वजह से इस सिस्टम का नाम 3-स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग दिया गया है, रिदम टेक्निक वॉल्यूम। कैसे श्वास ले 3 सेकंड अंदर 2 सेकंड बाहर, कहां पे ले छाती और पेट दोनों, कितनी ले नॉर्मल, इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सिर्फ बात करने की बात नहीं है करने की बात है। प्रैक्टिस करने के लिए एक हाथ छाती पर रख देंगे ऐसे, एक हाथ नाभि पर रख देंगे ऐसे, और श्वास लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे सिर्फ श्वास लेंगे। मैं काउंट करता हूँ आपके लिए, 1-2-3 में श्वास लिया, 3 सेकंड में श्वास लिया, 2 सेकंड में श्वास छोड़ दिया, यानी कि 5 सेकंड का एक साइकिल हो गया, मिनट में ऐसे 12 साइकिल हो जाएंगे, 12 साइकिल्स पर मिनट की श्वास लेंगे। काउंटिंग में सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, 1-2-3 में काउंट करूंगा
लेकिन चार और पांच काउंट नहीं करूंगा, चार को साइलेंट कर दूंगा, पांच और छह काउंट करूंगा, पांच और छह, तो चार को साइलेंट कर दूंगा। ये बात फिर कभी करेंगे कि इसको साइलेंट क्यों कर रहे हैं। तो श्वास लेते हैं, पांच सेकंड का श्वास, एक दो तीन में श्वास अंदर, पांच छह में श्वास बाहर। हाँ जी, चलिए मैं काउंट करता हूँ आपके लिए। चलिए, एक दो तीन पाँच छ, 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 वन टू थ्री फाइव सिक्स। अच्छा, दिन भर तो ये काउंटिंग नहीं कर सकते, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, माइंड इतना ध्यान दे रहा है उसके ऊपर। मेरे गुरु जी ने क्या किया, इस काउंटिंग को म्यूजिक में डाल दिया, संगीत के द्वारा उसको अपना ज्यादा आसान कर जाता है। तो कैसा है वो संगीत, जरा अपने
गांधी जी ने कहा है कि अगर ये लय जो है सिस्टम में बैठ गया तो रोज हम शुरुआत करते हैं अगर 5 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट अपने आप को लय कराता तो जीवन में काफ़ी फर्क पड़ता है। 6 महीने में तो सोच में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर 20 मिनट किया रोज का सिर्फ बैठे रहे और श्वास लिया हम सब कुछ करते हैं जीवन में तो श्वास लेने की क्रिया जो जीवन की बेसिक है जीवन की शुरुआत श्वास से होती है अंत भी श्वास के जाने से होती है लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसके ऊपर हम कभी विचार नहीं करते और ये क्योंकि ऑटोमेटिक चलती है तो हमें इसके ऊपर कभी ध्यान जाता ही नहीं। जैसे घर में माँ रोज काम करती है जिस दिन नहीं होगी माँ अगर तो हमें पता चलता है उसका वैल्यू क्या है नहीं तो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड माँ हो या वाइफ हो वैसे ही इसकी बात जिस दिन नहीं हो गया तो उस दिन हम नहीं होते ये सोचने के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे हम होते ही नहीं है फिर ऐसा होने के पहले अगर ध्यान देना शुरू कर दिया मृत्यु के पहले तो ज़्यादा अच्छा है तो फिर मृत्यु भी एक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। अभी तो हम लोग जैसे रात को सोने जाते हैं वैसे सो जाते हैं जैसे कि मर गए हैं कौन सा अपने आप को पता होता है कि हम सो रहे हैं। भगवान की कृपा है कि जिस शरीर में आपको सोने जाते हैं उसी में सुबह को अपने आप को पाते हैं कोई सोचते भी नहीं उसके बारे में। एक दिन ऐसा आता है जिस शरीर में आपको सोने गए थे अगले दिन सुबह को किसी और शरीर में पाते हैं उसको हम मृत्यु कहते हैं बस और कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इंसान लोग को ये बात नहीं पता और हमारी बड़ी बड़ी बातों में हम जो बेसिक्स है लाइफ का वो भूल जाते हैं जैसे श्वास लेने की क्रिया ये जो है श्वास लेने की क्रिया जो है उस पर भी अगर ध्यान दिया बिना लय के तो भी जीवन में काफी फर्क जस्ट बाय सिंपली पेइंग अटेंशन टू ब्रेथ एंड इफ यू पे अटेंशन टू ब्रेथ विद द रिदम देन इट विल बी विद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बेनिफिट मैनीफोल्ड और ज़रा फर्क पड़ जाएगा। ये हो गया कार्यक्रम का एक दूसरा हिस्से की तरफ जाते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं कुछ 6 एक्सरसाइज करते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी 3 SRB के सिस्टम के अंदर ही आते हैं और इस वजह से उसमें वही तीनों बात है जो पहले हिस्से में लय टेक्निक वॉल्यूम लय वही रहेगा 3 सेकंड श्वास लिया 2 सेकंड श्वास छोड़ लिया लेकिन रिदम तो यही है। अभी एक्सरसाइज करने के टाइम पे रिदम का स्पीड बढ़ जाएगा तो 3 सेकंड के जगह पे उसका स्पीड जब हमने 12 seconds पर मिनट का जो गति अपनाई अभी इसका स्पीड 3 गुना बढ़ जाएगा और 36 seconds पर मिनट हो जाएगा। रिदम वही है स्पीड बढ़ जाएगा ध्यान दीजिएगा रिदम वही है स्पीड बढ़ जाएगा तो अभी 36 cycles पर मिनट की गति पे हम श्वास लेंगे। टेक्निक जो पहले हमने छाती और पेट पे जो श्वास ली थी टोटल ब्रेथ अब क्या करेंगे शरीर के एक एक अंग के ऊपर फोकस करेंगे और सिर्फ उसी में श्वास लेंगे तो वो पोर्शन को ज्यादा फर्क पड़ जाए। तीसरी बात वॉल्यूम पहले जो नॉर्मल वॉल्यूम था अभी वॉल्यूम काफी बढ़ जाएगा जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना हम वॉल्यूम में श्वास लेंगे। ये तीनों चीज वही आप समझे करेंगे कैसे पहले सिर्फ छाती में श्वास लेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए दोनों हाथ छाती पर रखेंगे और स्पीड में श्वास लेंगे कैसे 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 तीन गुना बढ़ जाएंगे और स्ट्रेट बैठेंगे थोड़ा स्लाउच मत कीजिएगा ऐसे पीछे मत बैठ जाइएगा जरा ऐसे नहीं ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट बैक स्ट्रेट रहेगा तो अच्छा और
1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. अरे आप भी कर लो, वही कर लो, ये दोनों हाथ रख के करो. 1, 2, 3, 5, 6. वॉल्यूम चाहिए सर, आप एकदम आराम से करें, थोड़ा सा और वॉल्यूम चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर जाएगा आज तो शुरुआत. ये और एक पहली एक्सरसाइज, लेकिन इसका असर नहीं होगा अगर जितनी ताकत लगा के, जितनी ताकत की कैपेसिटी है वो अगर ताकत नहीं लगाई तो उसका असर जीरो होगा, कुछ नहीं असर. सो डू इट प्रॉपर्ली. दूसरी एक्सरसाइज में दोनों हाथ नाभि पर रख दिए, एक से पर जो छाती में किया वही यहाँ पे करेंगे. तो 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. सेम चीज, सेम. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. तीसरी एक्सरसाइज में कुर्सी पे बड़ा मुश्किल, लेकिन आप बैठे रहिए, कुछ करते हैं उसके ऊपर. आप प्रदीप को देख लीजिए कैसे करते हैं कुर्सी पे. पहले आप यहाँ पे कर लीजिए लेटेंसी, फिर दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लिया ऐसे, टोस को पकड़ लिया हाथों से, नीज को स्ट्रेट रखा और छाती और पेट दोनों में इक्वल श्वास ले. तो वही करेंगे, देखिए ऐसे. छाती और पेट दोनों में इक्वल सांस लिया. आप क्या कीजिए, हाँ ऐसा कर लीजिए मैं, या तो थोड़ा ऐसा झुक के छाती और पेट में सांस लीजिए. जिस तरह आप बैठे वहीं पे बैठे रहिए, छाती और पेट जहाँ पे पकड़ सके, वहां पर तो हाथ पहुंचेगा नहीं, बस इधर पकड़ लीजिए. फिर बात 5, 6, 1, 2, 3. तुम तो कर लो, नीचे कर लो. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 5. अरे कर लो तुम यार, तुम छोड़ो थोड़ा क्या हो रहा है, बैठो करो यार. 1, 2, 3, 5, 6. काम की चीज सिखा रहा हूँ, बहुत फर्क पड़ेगा. 5, 6. नहीं पकड़ लो जहाँ पे, हाँ इधर पकड़ लिया, पकड़ लो. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Five six one two three 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 five six
चौथी तीसरी एक्सरसाइज हो गई। अब जैसा आप देख रहे हैं कि वो आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है, दोस्त तक नहीं पहुंच रहा है, तो कुछ करते हैं उसके बारे में। क्या बोले तुम्हारे? 29। क्या बोले आपकी? 68। 68 का है आपकी? 50। हाँ 58, सॉरी।
एक साल का 50 और 60 में 10 साल हो जाते हैं। नहीं, मेरा रिटायर का एक साल है। कितना फर्क हो गया? लेकिन ही इज मोर हेल्दी देन यू आर राइट। तो लेट्स चेंज। चलो उसकी एक्सरसाइज करते हैं। दम ना करना तो ये फर्क पड़ जाएगा। हाँ, वैसे बैठ जाओ आराम से, पलती मार के बैठ जाओ। चौथी एक्सरसाइज में जस्ट लुक एट व्हाट प्रदीप डज, वैसा करना आप। पांच बार नाक से जोर से ऐसा करना है, एक पांच बार नाक से किया, एक बार मुंह से बाहर फेंक दिया, जोर से करना है, जितना जोर से आप कर सके, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक। चलिए करते हैं, एक दो तीन चार पांच, 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 थोड़ा जोर से दम लाके, वन टू थ्री फोर फाइव, 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 वन टू थ्री फोर फाइव। स्टॉप। अब दम ना करो, एकदम तीन बार करो, अरे ऐसे का मुंह से बात है। एक दो तीन आउट, 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 एक दो तीन आउट। ओके स्टॉप। दम ना के नहीं कर सकते, बैठो नीचे। यू फील टायर्ड ना? यस लास्ट टू, बैठो नीचे। चल कम ऑन, अरे वो करो थोड़े से, करो अभी थर्ड। हाँ, नहीं नहीं थर्ड, अभी हाथ आगे गया थोड़ा। हाँ, फिर फर्क पड़ा बैक में, इतना ही फर्क पड़ा, क्यों मालूम है? ये तुम दम ला के नहीं कर रहे, तो तुम्हारा हाथ यहाँ तक आता था, अभी तुम्हारे टोस तक। तुमने कैसे किया ऐसे? हुँ? करना कैसे है? तो हाथ में 2 इंच का फर्क तो पड़ा, अभी बैक थोड़ा फ्री हो गया, कुछ अच्छा हुआ ना? इतना जल्दी कभी किसने कुछ किया है? तो तुम्हारे ऊपर है, तुम ढंग से करोगे चौथी एक्सरसाइज, तो तुम्हारा बैक, लेग्स, हैंड्स एंड पूरा बॉडी जो टॉर्सो है वो फ्री हो जाएगा। तो हर एक्सरसाइज बहुत काम की चीज़ है, लेकिन हमको, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा नहीं है, हमने कहीं सुना नहीं है, हमको लगता है कि जिम जाना चाहिए या ये योगा करना चाहिए या कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, तो हम लोग खाली उसी में चक्कर में पड़ देते और अपना हेल्थ को देखते हैं। Go back to where you were. अभी पांचवी एक्सरसाइज करते हैं। पांचवी एक्सरसाइज में 5 सेकंड श्वास लेंगे, उसके अगले 5 सेकंड श्वास को अंदर पकड़े रखेंगे, उसके अगले 5 सेकंड श्वास छोड़ेंगे, उसके अगले 5 सेकंड श्वास नहीं लेंगे। ब्रीद इन होल्ड, ब्रीद आउट होल्ड, क्लियर? साथ में करना, मैं पहले आप देख लीजिए प्रदीप कैसे करते हैं, फिर आप लोग करते रहिएगा। देखिए, श्वास लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, ओके स्टॉप, एक दो तीन चार पाँच, एक्सहेल, एक दो तीन चार पाँच, स्टॉप, डोंट ब्रीथ, एक दो तीन चार पाँच, रिलैक्स। सिंपल एक्सरसाइज, साथ में करिएगा, मैं काउंट करता हूँ आप लोग के लिए, साथ में करिएगा। चलिए, श्वास लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, स्टॉप, एक दो तीन चार पाँच, एक्सहेल, एक दो तीन चार पाँच, स्टॉप, एक दो तीन चार पाँच। श्वास लीजिए फिर से, एक दो तीन चार पाँच, स्टॉप, दो तीन चार पाँच, एक्सहेल, टू थ्री फोर फाइव, स्टॉप, डोंट ब्रीथ, एक दो तीन चार पाँच, रिलैक्स। सिंपल एक्सरसाइज, लेकिन बहुत फायदे की एक्सरसाइज है। छठी एक्सरसाइज करते हैं।
छठी एक्सरसाइज में एक गहरी श्वास लेकर नाक को बंद कर देना इस तरीके से। नाक को बंद करने के बाद चिन को यहां पे हॉल ऑफ द नेक में लॉक कर देना ऐसे देखिए। और ये लॉक करने के बाद मुंह में जैसे हम लोग पानी पी रहे हैं वैसे गलिए जैसे कि पानी पी रहे हैं। पांच बार ऐसा एक्शन करना जैसे कि पानी पी रहे हैं उसका या थूक गल रहे फिर ऊपर आना पांच बार के बाद और श्वास छोड़ देना। सिंपल एक्सरसाइज फिर से कर लेते हैं। एक गहरी सांस ली नाक को बंद किया टाइटली चिन को यहाँ पे लॉक किया और अभी पांच बार अंदर से पानी पीने का एक्शन किया या गलने का एक्शन किया। चलिए साथ में करते हैं। गहरी सांस लीजिए गहरी सांस एकदम गहरी पूरा भर दीजिए श्वास से। फिर नाक को बंद कीजिए चिन को लॉक कीजिए। अब पांच बार अंदर से गलिए ऊपर मत देखिए आप टाइटली बंद कीजिए नीचे देखिए गहरी सांस लीजिए फिर से कीजिए श्वास लीजिए गहरी श्वास लीजिए फिर नाक बंद कीजिए फिर यहाँ पे टाइटली लॉक कीजिए और नीचे रखिएगा नहीं ऊपर मत देखिएगा। फिर से करिए श्वास लीजिए गहरी श्वास लीजिए। हाँ अभी नाक को लॉक कीजिए नॉस्ट्रिल्स को लॉक कर दिया अभी चिन को लॉक किया। हाँ अभी पांच बार गल्प कीजिए ऊपर आके श्वास छोड़िए। एक्सरसाइज हो गई सिंपल सी एक्सरसाइज है घर पे करिएगा रोज करिएगा। रोज करने से एक के बाद एक करिएगा रोज करने से बहुत फर्क पड़ेगा। एक दिन मिस किया तो फिर उसका असर निकल जाता जैसे हम लोग रोज टीथ ब्रश करते हैं रोज खाना खाते हैं ऐसे श्वास रोज लेते हैं लेकिन श्वास के बारे में याद नहीं होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है उसके ऊपर रोज ध्यान दीजिए काम जीवन में फिर फर्क आया है। यहाँ पे आते रहिए प्रैक्टिस करने के लिए और जैसे अभी किया ब्रेक में किया ना एक एक ब्रेक के बाद किया घर में ब्रेक मत कीजिएगा एक के बाद एक कीजिएगा। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं शुरुआत से। पहली एक्सरसाइज थी पहले की तीन थी म्यूजिक के साथ अगली तीन म्यूजिक के बिना। चलिए 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6 नहीं मैडम दोनों हाथ छाती पर रख लीजिए छाती 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6,
1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, out. 1, 2, 3, 4, 5, out.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 स्टॉप। अभी पांचवी एक्सरसाइज, 5 सेकंड श्वास लिया, होल्ड किया, छोड़ा, होल्ड किया। चलिए मैं काउंट करता हूँ आपके लिए, ब्रीद इन 1 2 3 4 5 स्टॉप, 1 2 3 4 5 एक्सहेल, 1 2 3 4 5 स्टॉप, 1 2 3 4 5 अगेन इनहेल, मार लीजिए 1 2 3 4 5 स्टॉप, 1 2 3 4 5 श्वास छोड़िए, 1 2 3 4 5 स्टॉप, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। छठी एक्सरसाइज, गहरी सांस लीजिए, नॉस्ट्रिल्स को बंद कीजिए, चिन को लॉक कीजिए और अंदर से गल्प कीजिए। चलिए गहरी सांस ली, नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक किया, हाँ जी, और चिन को लॉक कीजिए अभी, और पांच बार गल्प कीजिए। लेकिन इससे पूरा कन्विक्शन है कि हीरो में, इससे पूरा कन्विक्शन है कि हीरो में जब मृत्यु आती है तब इसे मालूम पड़ता है कि मैं हीरो नहीं हूं, मैं तो जीरो हूं। लेकिन बाय दैट टाइम इट इज टू लेट, इट इज टू लेट, और तब जीवन का अंत हो जाता है। पतंजलि कहता है ये जो है, ये अगर आप आज खत्म करते हो ये अविद्या का स्टेट, सो देन यू कैन लीड अ रियली गुड लाइफ गवर्न्ड बाय डिवाइन विल, उसकी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से और ब्रीदिंग करने से जीवन में एक सी चेंज आ जाएगा। वहां पे असर ऐसा होगा कि माइंड का चलना कम, तो फिर जो सही में जो करना चाहिए आपको अंदर से पता चलना शुरू हो जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर वही ईश्वर है, ऐसा वो कहता है, और वो ईश्वर हमें बोलता है क्या करना चाहिए। लेकिन बंदर की गुलाटी माने से हमें बहुत काम मिलता है, तो हम अपनी बात से फुर्सत नहीं है, उसकी बात सुन नहीं सकते, और ये एक्सरसाइज करने से उसकी बात सुनना सुनने को आ जाएगा। सच देयर इज अ गॉड एंड ही विल बी नोन टू यू। अभी तो खाली भीख मांगने के लिए भी मंदिर में या कोई फोटो लगा के हमारे ईश्वर की अंतरात्मा रहते हैं, या तो भिखारी के अलावा कुछ नहीं। भिखारी को तो मालूम है कि भीख मांग रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, हम तो भीख मांगते हैं अपना हीरोगिरी को और बढ़ाने के लिए। ये भिखारी को कौन भीख कौन देगा पहले बात, और भगवान भी इसको देने की कोशिश करता है लेकिन वो सुनता है। ये भिखारी से राजा बनना है अगर, तो 3 7 में ब्रीदिंग करना, यू विल बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ, ये प्रॉमिस है। लेकिन इसको करना इतना आसान नहीं है, कल अभी आप यहाँ से घर जाओगे तो भूल जाओ, और अभी यहाँ से बाहर निकलोगे तो बातें करोगे दुनिया भर, तो वो पैटर्न तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात सच है, जितने भी हमारे लोग इसको रोज करते हैं उनके जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि उनको खुद को, उनके फैमिलीज को, उनके बिजनेस एसोसिएट्स को, उनके कलीग्स को, उनके नेबर्स को, जो समाज में लोग रहते हैं उनको यकीन नहीं आता यह व्यक्ति, ये इंसान इतना बदली कैसे होता है। बस कुछ महीनों में, 6 महीने तक आप खाली इसको रोज करना, पहले 1 मिनट पर एक्सरसाइज, फिर 2 मिनट पर एक्सरसाइज, फिर 3 मिनट पर एक्सरसाइज, ऐसा करके 3 मिनट रोज करना, 3 मिनट 6 एक्सरसाइज करना।
यहाँ पे आते रहना और आप अपना एक्सरसाइज को करेक्ट करते जाना, क्योंकि आज आपने सीखा है पहली बार, वो भी आप तीनों का इतना ध्यान था नहीं और उतनी ताकत से आप नहीं कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप करते रहोगे और आते रहोगे तो उसे ताकत से अंदर ताकत वो बढ़ती जाएगी और अपने आप और अच्छा होता है, आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी आपका शरीर यहाँ पर है लेकिन मन यहाँ पर नहीं है, मन तो की गोइंग नियर देयर, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो वी कंपेयर इट विद व्हाट वी ऑलरेडी नो, सो वी से हाँ ये सही है या वो गलत है, हाउ डज एनीबॉडी नो, ये कभी चेक नहीं करते हम लोग कि मेरी पूरी की पूरी जीवन का जो इंफॉर्मेशन है वो किस बुनियाद के ऊपर आधारित है, उसको मैं किस किस चीज से किस स्टैंडर्ड से मैं कहता हूँ ये अच्छा है ये बुरा ये सच है या झूठ, बिकॉज पूरे की पूरी धरती के ऊपर हर मनुष्य उसको कुछ भी आता हो या नहीं आता हो वो मरने वाला तो है, मतलब कि उसको कुछ मालूम नहीं है। जो मनुष्य की धरती के ऊपर मृत्यु से बच नहीं चुका बच नहीं सकता है उसको क्या आता है, अगर उसको कुछ आता था तो वो फिर मरता नहीं था, अगर उसको कुछ आता था तो उसकी खुद की पीड़ा के बारे में वो कुछ कर सकता था, अगर उसको कुछ आता था तो रोज रात को जब वो सो जाता है सपना देखते हैं नींद में डर जाता है तब उसको ये लगता नहीं कि ये सपना है नकली है ये तो सिर्फ सपना चल रहा है उसको डरने की जरूरत नहीं है, नहीं मतलब कि उसको ये भी पता नहीं कि वो कौन है, दिन भर हुशारी मारने से चिंदम चिंदी करने से अपने ज्ञान दिखाने से जो है फालतू का वो उससे कुछ नहीं होता है, रात को नींद में उसको कुछ पता नहीं है उसका कोई ज्ञान काम में नहीं आता। जब एक तिहाई जीवन हम नींद में बिताते हैं दो तिहाई जागने में बिताते हैं, एक तिहाई जीवन को पता नहीं क्या चल रहा है बाकी दो तिहाई को कैसे पता क्या चल रहा है, ये थोड़ा सोचने की बात है, एक दिन में नहीं पकड़ गया है। लॉजिक ये है साहब, एक्सरसाइजेस करते रहेंगे और अगर 5 मिनट से शुरुआत की ऑफ नॉर्मल 3000 जो हमने शुरू में किया था 12 साइकिल्स पर मिनट स्लो वाला 1 2 3 4 5 6 अगर ये 5 मिनट से शुरू किया 20 मिनट तक आ गए 6 महीने में 20 मिनट तक आ गए सिर्फ बैठे हैं कोई पूछेगा क्या कर रहे हैं, मैं श्वास ले रहा हूँ सिर्फ श्वास कुछ मत लय में श्वास 20 मिनट तक अगर ये श्वास ले लिया कुछ शांति आना शुरू हो जाए कुछ दिखना शुरू हो जाए, उसके बाद में अगर आप लोग को इंटरेस्ट अगर मेंटेन रहेगा या तो फिर हर महीने यहाँ पे आते रहिएगा या हमारे बाकी भी सेशंस होते हैं सब जगह पर वहाँ पे आते रहिएगा और जिसका लगाव है अपने आप को जानना चाहता है जीवन और मृत्यु के इस झमेले से निकलना चाहता है तो बहुत कुछ ये लॉजिक के साथ तो ये आपकी जो सेशन हर महीने होता हर महीने थर्ड फ्राइडे